एक समय था मेरे जीवन के अंदर कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हृदय में भी प्रकाश हो सकता, और किसी ने यह संभव बनाया। कोई है जो मेरे को बार बार याद दिलाता है, बार बार उस रोशनी को मेरे जीवन के अंदर लाता है, क्योंकि मेरी आदत, मनुष्य की आदत क्या है, भूल जाए कि मैं अज्ञानी था। मुझे नहीं मालूम था कि यह संभावना भी है। दुनिया की बात सुनने के लिए मैं तैयार था, दुनिया की बात सुनता रहा, दुनिया जो कहती रही मैं अपना सिर हिलाता रहा। हाँ, हृदय में एक प्यास जरूर लगी हुई थी, पर मेरे को नहीं मालूम था किस चीज के लिए ये प्यास है। फिर कोई आया एक दिन, उसने कहा कि अपने हृदय की बात सुनो, अपनी बात सुनो। और जब मैंने सुनना शुरू किया तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि ना वो शब्द थे, ना वो कोई भाषा थी, और मेरे को धीरे धीरे एहसास होने लगा, अनुभव होने लगा, मैं सुनने लगा, और सबसे बड़ी बात कि मैं समझने लगा। और क्या समझा मैंने? मैंने समझा कि मेरे अंदर हृदय भी है। मैंने समझा कि मेरे अंदर एक दिया है जो जलने के लिए बेताब। असली मार्ग दिखाने वाला जो है वो हर कदम साथ चलना चाहता है, ताकि तुम खो ना जाओ। ये नहीं है कि एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर एक नक्शा बना दिया और नक्शा तुम्हारे हाथ में दे दिया, जाओ। अरे तूफान जब आएगा तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं खो गया तो मैं क्या करूंगा? दुनिया को परवाह नहीं है कि हम ठोकरें खाएं या नहीं, परंतु ये पूछने वाला है कि तुमको किस चीज की जरूरत है, तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है, तुम अपने जीवन में क्या चाहते। एक शब्द है शुभ चिंतक। शुभ क्या है? अगर इस जीवन के अंदर अंधेरा है तो क्या शुभ है, और अगर इस जीवन के अंदर प्रकाश है तो वो शुभ ही शुभ है। और उसकी चिंता करने वो है हमारा। जो सचमुच में हमको अंधेरे से प्रकाश मिले, जिसका चिंतन ये है, उसकी हमको जरूरत है। पहचान होनी चाहिए ना। पहचान नहीं है अगर तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कितने ही हैं, कितने ही थे उस समय जो नौका चलाते होंगे, पर एक था केवट। जब उसने देख लिया ना, पहचान लिया उसने, तो क्या पहचाना, कैसे पहचाना? अपने हृदय से पहचाना। क्या कहता है कि आप मत चढ़ो। क्या हमने सुना है आपके चरणों की धूल में इतनी शक्ति है कि वो पत्थर को मनुष्य में बदल दे? महाराज
ये मेरी नौका है, इससे मैं अपने बच्चों को अपने परिवार को पालता हूँ। आपके चरण रज, आपकी चरणों की धूली अगर इस पे पड़ गई और ये भी औरत में बदल गई तो मेरा क्या होगा? चालाक जरूर बन रहा है पर भक्ति से बन रहा है, कि वो न कहें, ऐसी बात आगे रख रहा है, इस प्रकार रख रहा है और सिर्फ इसलिए रख रहा है कि वो न कहें। और फिर उसको वो मौका मिला, उसकी भक्ति पूरी हुई। सिर्फ एक जन्म के लिए? क्या मिला उसको? सब कुछ। क्या कहा? भगवान राम जब उनको उतार लिया दूसरी तरफ, तो भगवान राम ने अपनी अंगूठी निकाली, कहा ये रख लो, और पैसे तो थे नहीं, कहा ये रख लो। नहीं, अब अंग्रेजी में इसको कहेंगे, वो कहता है भगवान से कि प्रोफेशनल कर्टिसी, हम नहीं लेते आपकी मुद्रा। क्यों नहीं लेते? क्योंकि काम में आपकी और हमारी जात एक है। काम करने में आपकी और हमारी जात एक है। हम लोगों को इस नदी के पार ले जाते हैं, आप लोगों को भव सागर के पार ले जाते हैं। इसलिए रहने दीजिए। पर क्या नहीं मिला उसके बाद? यह है भक्ति, जिसके हृदय में है जीवन पहचाना। अगर भक्ति नहीं है तो पहचान थोड़ी पाओगे। अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, तो तुम सच्चे महापुरुष को कभी नहीं पहचान पाओगे। इतिहास में तुम देख लो, जब भी महापुरुष आता है वैसे नहीं आता है जैसे लोगों की भावनाएं थी कि वो आएगा। इसीलिए कहा है ना कि तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण। अब वो नहीं रहा। परंतु और भी तो थे, केवट एक ही थोड़ी था, पर उन्होंने नहीं पहचाना, नहीं जाना, नहीं पहचाना, नहीं समझ पाए। हर एक महापुरुष के समय में देख लो कितने ही लोग थे, कुछ ने पहचाना, कुछ ने समझा, सब कुछ उनके लिए बदल गया, परंतु कितने ही थे कि वो नहीं समझ पाए। अगर भक्ति नहीं है हृदय के अंदर तो विवेक नहीं है, और विवेक नहीं है तो आंख नहीं खोल सकेंगे, आंख नहीं खोल सकेंगे तो देख नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे तो पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचाने? हनुमान राम को देखता है, तुम्हारी तलाश थी, कोई और देखता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो अपनी बीवी के वियोग में इधर उधर भटक रहा है, ये कैसे हो सकता है? यही काक भुसुंडी की भी यही चर्चा है। जब भगवान राम छोटे थे तो आया कौआ, तो यही है,
तो हाथ से रोटी चोरी कर ली, हाथ से रोटी चोरी कर ली तो भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे तो उसको और भी उसका भरम पड़ा, ये कैसे हो सकता है, ये तो रो रहे हैं। तब जब असली रूप देखा तब उसको समझ में आया, परंतु ये आंखें भक्ति से देखें, सच्चाई से देखें तो पहचानने में हमेशा वो आएगा जो हमारे मार्ग में रोशनी कर दे, बस हमारे मार्ग में रोशनी कर दे बस। यह है गुरु का असली पहचान। भेष ध्यान मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो। स्पष्ट का जाते हैं लोग, इनको रटते हैं इन चीजों को, पर ये समझ में नहीं आती है क्या कहा जा रहा है। ज्ञान ऐसी ज्यादा इस संसार में चीजें नहीं है जो किसी की जिंदगी को बदलते। एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, तीन दिन के लिए नहीं, चार दिन के लिए नहीं, पांच दिन के लिए नहीं, छह दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी, जब तक ये आखिरी, जब तक ये श्वास चले इस जीवन के अंदर आनंद ही आनंद हो। कितनी चीजें हैं संसार के अंदर जो ये कुछ कह भी सकती है कि ऐसा संभव है। पर लोग हैं, क्यों मिला है मनुष्य शरीर इसकी किसी को परवाह नहीं है, सिर्फ इसकी परवाह हमारे पास ये जिम्मेवारी है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, 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 करना है। इस कलयुग के अंदर कितना सरल बना दिया है इस ज्ञान को, पूछो मत। कितना सरल बना दिया है इस ज्ञान को ताकि तुम कर सको अपनी जिम्मेवारियों के बीच में जो तुमको करना है, वो सारी चीजों के बीच में भी तुम इस ज्ञान का अनुभव कर सको। कितना सरल बना दिया है, परंतु लोग हैं उसमें भी एक मिनट कम, एक मिनट, दो मिनट कम, आधा 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 घंटा चलेगा, आधा घंटा में कर लेंगे, अरे कर लेंगे वो, उसमें भी नहीं। एक जमाना था सारी जिंदगी लगानी पड़ती थी, घर की बात अलग, बच्चों की बात छोड़ो, बीवी की बात छोड़ो, सबको छोड़ छाड़ करके लगे रहो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, जब वो प्रसन्न होंगे तब वो तुमको ज्ञान देंगे। तुम्हारे क्या हाल होते अगर ऐसा होता इस कलयुग में, नहीं होता ना उनसे, पर कितना सरल हो गया, क्योंकि इस कलयुग के अंदर सब कुछ होगा जो जो आदमी सोच नहीं सकता है। यही शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, क्या क्या होगा हद ही नहीं, और हो रहा है सचमुच में हो रहा है, हद नहीं। बेटा बाप को मारेगा, मां अपने बच्चे को मारेगी, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, हो रहा है सब बड़ी जोर धोर से हो रहा है, खूब हो रहा है। जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। इतना सब कुछ सुनकर के, सारा वर्णन सुनकर के पार्वती
शिव जी से कहती हैं तो कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक चीज, सिर्फ एक चीज, कि ज्ञान सहज में मिल जाए। ये भी सच कहा, ये सहज में मिल जाता है, सहज में, इतना सहज में कि पूछो। तो ये सारी बातें चेतावनी की बात नहीं है, बात है समझने की। क्योंकि अगर समझ गए इस बात को तो तुम्हारे अंदर एक ही चीज रह जाती है, मांगना नहीं पर अपने हृदय के उद्गार, और कि तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तैने मुझे दिया, जो तैने मुझे दिया, तेरा लाख 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 शुक्रिया। तेरी कृपा मेरे पे है, इसके लिए शुक्रिया। अपना आभार प्रकट करना, चाहे आभार एक ऐसी चीज है कि चाहे दूसरा सुने न सुने पर जिसके प्रति आभार प्रकट करना है, ये अंदर से ख्वाहिश होती है कि मैं अपना आभार प्रकट कर सकूं, मैं कह सकूं। हम नहीं कहते हैं, कई बार बात मुंह में ही रह जाती है, परंतु ये तो हृदय की बात है कि धन्यवाद जो तैने दिया, क्या क्या खुशियां दी, बिना मांगे खुशियां दी, बिना मांगे तो इस श्वास की डोर को मेरे अंदर लाता है। अगर ये मेरे पे निर्भर होता कि मैं याद करूं कि श्वास आना चाहिए, तो बता कब का मर गया होता, भूल जाता मैं। अरे किन चीजों को भूलता हूं मैं, मनुष्य किन चीजों को भूलता है, उन चीजों को भूलता है जो जरूरी हैं, जो जरूरी नहीं है उनको थोड़ी भूलता है, वो तो हमेशा याद आती हैं उसको, पर जो जरूरी चीजें उनको भूलता है, उनको भूलने से आदमी का नुकसान होता है। इस आभार को प्रकट करना, मनुष्य न भूले, इस श्वास को स्वीकार करना, मनुष्य न भूले, इस बूंद का महत्व समझना, मनुष्य न भूले। मजबूत मजबूत हथौड़े को भी होना चाहिए और एनविल को भी होना चाहिए, उसके बाद तो जो बनाना है बनेगा, और बीच में जो कुछ आएगा उसके, वो कैसे बचेगा, खड़ांक बनेगा। ये संभावना है, ये जीवन है, ये ज्ञान का महत्व है कि इस रेगिस्तान को हरा भरा बना।
एक भजन है, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, बहुत कठिन है। लगन बिना काज ना सरी है, जीव परलय हो जाए, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जो मैं कह रहा हूं ये तुमको समझ में तो आ रहा है, पर इसको सही करने के लिए तुम्हारे को डर लगता है। और किसी चीज को न करना उसका बहाना बना देना कि नहीं हमारे पास समय नहीं है। अगर किसी कोई कहेजिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं और तुम नहीं मिलना चाहते, हो सकता है कि तुम करो पता नहीं क्या कहेगा, हो सकता है कर्जा मांगे, हो सकता है कुछ और करे, कुछ हो सकता है और करे, अभी टाइम नहीं है, बाद में, ये भी एक भय है। और भजन अभ्यास करना, अभी टाइम नहीं है, क्या ये भी एक भय है? क्या ये भी एक भय है? क्योंकि अंदर से कुछ चीज कहती है नहीं। दो 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 बातें हैं ना दो बातें हैं, एक तरफ तो मोहन, एक तरफ तो विष्णु। और विष्णु का जो रूप है वो है सर्वश, प्रकाश, शांत, और दूसरी तरफ है प्रकृति जिसमें मरना है। विष्णु का जो रूप है उसमें कोई मौत नहीं है, मोक्ष, और फिर ये प्रकृति है इसमें मर भी रहे हैं, ये भी है वो भी है, इसे कहते हैं, ये भी विष्णु का रूप है। पर जानते हो इस रूप को क्या कहा जाता है? इस रूप को कहा जाता है मोहिनी। प्रकृति का जो रूप है ये हुआ मोहिनी, और विष्णु का जो असली रूप है विष्णु, जो मेल है, पुरुष है, मोक्ष, और ये जो है ये फीमेल है। तो एक चीज दूसरे को कहे नहीं ऐसा मत कर, अपना सारा जीवन तू इन चीजों में लगा जो तुम्हारे दिमाग में सारी बातें डाली गई, जो तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे दिमाग में डाली गई हैं। क्योंकि इसका सत्य से कुछ लेना देना नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। इसका मैं उदाहरण देता हूं, कितने लोग हैं यहां, जब तुम बच्चे थे, जब छोटे थे, तुम्हारी मां ने कहा यहां हाथ मत लगा, हाथ चल जाएगा, याद है? भूल गए? कभी नहीं कहा तुम्हारी मां ने? या तुम्हारी मां कहती थी दाल दाल? नहीं, तुम्हारी मां ने कहा ना हाथ जल जाएगा, गर्म चीज को हाथ मत लगा, हाथ जल जाएगा, है? कितने लोग हैं यहां बैठे हुए जिनका हाथ जला हुआ है? तो मां ने तो डाला ना ख्याल, फिर भी उसका कोई असर तुम्हारे पे नहीं हुआ जब तक तुमने अपने आप उस चीज का अनुभव नहीं कर लिया। जब जल गया तो अय्या, तब। तो अब जहां बात आती है ज्ञान की, तुम सिर्फ उसको शब्दों में अपने दिमाग में नहीं डाल सकते, उसका अनुभव होना जरूरी है।
नहीं तो वो चीज़ आधी रह गई, अधूरी रह गई। और जहां तक इस दुनिया का सवाल है, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कई लोग हैं जिनको क्रियाओं पे विश्वास नहीं है, काम करती हैं नहीं करती हैं, ये भी भय है। और हो सकता है मेरे पे काम नहीं कर रही हूं, औरों पे काम करती हूं, ये भी भय। पर ये कोई नहीं पूछता है मैं कितना प्रेम करता हूं या करती हूं अभ्यास की तरफ, ज्ञान की तरफ, ये कभी नहीं पूछेंगे। मुझे कितना प्रेम है कि ये मेरा जीवन सफल हो, क्योंकि अगर वो उस चीज को जानना ही नहीं है तो फिर ज्ञान क्या करेगा, क्रियाएं क्या करेंगे? भूलने की आदत तो तुम्हारी है, यही अर्जुन के साथ भी हुआ। सारी चीजें जो सारे कि पता है कितने लोग हिंदुस्तान में गीता पढ़ते होंगे, है ना, और वही चीज हुई। और जब लड़ाई पूरी हो गई, वापस क्या कहते हैं, अर्जुन महल में रहने लगा, तो एक दिन भगवान कृष्ण विजिटिंग के लिए आए कि हाँ भाई अर्जुन क्या हालचाल है? राजीव मौज है, इतने साल वनवास में रहे, ओ तो अब तो मौज ही मौज है। ये नहीं है कि कल कहीं जाना है, कल कहीं जाना है, अपना ही पलंग है, अपना ही बिस्तरा है, अपना ही सब कुछ है, कितना सुंदर है सब कुछ। क्या और ये एक बात है, क्या बात है जी, वो जो आपने समझाया था सब कुछ लड़ाई के मैदान में, मैं भूल गया। जिससे प्रेम करते हो, जिस चीज से प्रेम करते हो उसको तो भूलते नहीं हो। जिससे प्रेम करते हो तो भुलाए भी नहीं भूलेगी, भुलाने की कोशिश भी नहीं करो। अगर किसी भी रूप में कुछ भी कर लो उसको भुला नहीं पाओगे, पर जिससे प्रेम नहीं है कैसे होगा? बैठ के अभ्यास करना, और इससे क्या होता है? जो अनुभव होता है वो तुम्हारे दिमाग को अगर पसंद हो ना हो, पर तुम्हारे हृदय को जरूर पसंद है। हृदय को तसल्ली मिलती है, हृदय खुश होता है, अंदर से खुशी आती है। चाहे बाहर से कितनी भी बारिश हो रही हो, संकटों की बारिश चाहे कितनी भी हो रही हो, फिर तुमको अंदर से प्रेरणा मिलती है अपनी शक्ति, अपने अंदर की शक्ति। तो ये बात है कि अगर ये समझ में आ गया और इस जीवन को इस प्रकार अगर जी लें कि इसमें आनंद हो, और इसी चीज का, इसी का रास्ता बताने के लिए आदिकाल से गुरु महाराज रहे, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। अब लोगों का है कि भगवान कृष्ण अवतार थे, भगवान राम अवतार थे, पर उस शक्ति ने द्वारा जन्म लिया जो मनुष्य का हित चाहती है। जब भी वो शक्ति
मौजूद होती है जो मनुष्य का हित चाहे, अब चाहे अवतार कह लो चाहे कुछ भी कह लो, और गुरु वो है जो रास्ता बताने के लिए आते हैं। उनका उस महाभारत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि बिना महाभारत के हुए हुए तुम्हारे जीवन के अंदर महाभारत हो रही है, ये उस महाभारत से निकालने के लिए आते हैं। महाभारत लड़ाने के लिए नहीं, महाभारत से निकालने के लिए आते हैं। यह है गुरु का महत्व। और गुरु नाम का नहीं हो सकता है कभी भी, तो समझ में आनी चाहिए बात। एक तो अवतार है जो ये कह रहा है कि ठीक है ये होना है, परंतु ये जो इस जीवन का जो जीवन की महाभारत है इससे कौन निकालेगा, कि महाभारत तो हो रही है और हर दिन होती है सुबह से लेकर शाम तक, और फिर शाम में भी कोई छोड़ता थोड़ी है। वही चीज जो तुमको सारे दिन दुखी करती रहती है फिर वो रात को भी दुखी करती है, वही जगाती है, वही परेशान करती है। परंतु अगर प्रेम नहीं है उस ज्ञान से, अगर प्रेम नहीं है इस जिंदगी से, अगर प्रेम नहीं है जो तुमको मिला है इससे, तो कोई भी चीज किसी भी चीज का तुक नहीं निकाला जा सकता, किसी भी चीज का मायने नहीं मिलेगा। परंतु जब प्रेम हो जाता है, जो अंदर से प्रेम होता है, जब वो हो जाता है तब जाकर के सचमुच में मनुष्य अपने में असली शक्ति पाता है। तो मेरे को यही आशा है कि लोग इस बात को कभी ना भूलें कि गुरु क्या होता है और गुरु की जरूरत क्या है, क्योंकि गुरु कभी ये नहीं कहेगा तुम ये कर लो वो कर लो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, नहीं, करना तुमको है। ज्ञान मैं दूंगा पर उसका अभ्यास तुमको करना है, ज्ञान मैं दूंगा अभ्यास तुमको करना है। और यही एक चीज है जिससे अगर तुम्हारा लगाव हो गया तो ये आखिरी श्वास तक तुम्हारे साथ लगी रह सकती है, सबसे बड़ी बात, और कोई नहीं। ऐसा भी समय आ जाता है कोई तुमसे बात कर रहा है तुम उस बारे को समझ में नहीं आ रही है, एकदम वही हाल हो जाता है जैसे जब तुम बच्चे थे, बोलने में भी मुश्किल हो रही है, सुनने में भी मुश्किल हो रही है, देखने में भी मुश्किल हो रही है, हाथ हिलाने में मुश्किल हो रही है, एक ही चीज रह जाती है जो तुम आराम से जैसे लेटे हुए हो, श्वास चल रहा है, बस चल रहा है, ये तुम कर सकते हो। तब अगर उसके साथ नहीं जोड़ा जो अंदर चल रहा है तो फिर क्या करोगे। दूसरी चीज, ये जो तुम्हारा दिमाग है, ये जो तुम्हारा है, ये परेशान करने में तुमको इतना माहिर है कि तब भी आके परेशान कर सकता है और करता है, बेचैनी हो जाती है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ऐसे नहीं, ये कोई जीने का तरीका नहीं, ये कोई जीने का तरीका नहीं। जीना तो इस तरीके से जीना है जैसे प्यार से, मोहब्बत के साथ, ज्ञान के साथ। तो अगर ऐसा है तो सबकी बाबा, और नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी।
पर याद रहे कि गुरु का महत्व क्या है, क्या कर सकता है गुरु तुम्हारे लिए, परांठे नहीं बनाएगा वो नहीं है गुरु का मतलब। अजी मेरे बिजनेस में ये कर ना, ये नहीं करेगा गुरु, दूसरे बिजनेस में। कौन सा बिजनेस? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख वैकुंठ साध संग में उसो वैकुंठ ना, उसमें उसमें उस सुख में। तो जो कुछ भी हो रहा है इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, परंतु फिर भी मेरे को विश्वास है कि ये चीज क्या होगी, कहां कहां जाएगी, कैसे जाएगी, ये मेरे गुरु महाराज जी ने अपने अंदर इस बात को जरूर देखा होगा। इसीलिए अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास मेरे साथ बनाए रखते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि वो नाता, वो तार उस विश्वास का, उस आशीर्वाद का कभी ना, और प्रचार फैलता चले जाए, फैलता चले जाए। शांति की चाह तो बहुत समय से चली आ रही है, परंतु शांति तभी होगी जब हर एक दिया जलेगा। एक समय था कि कैसे होगा नहीं मालूम था, आज कम से कम यहां बैठे हुए मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे दिए जलने लगे हैं, प्रकाश होना शुरू हो गया है। कहीं भी जाओ, जैसे सूरज का भी प्रकाश धीरे धीरे ही चालू होता है, एकदम से नहीं, धीरे। कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सवेरे जरा जल्दी उठ के देखो, ऐसा लगता है कि कहां है किसी को नहीं मालूम, फिर एक तारा निकलता है और उसके नीचे फिर धीरे 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 रोशनी शुरू होती है, धीरे 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 करके पूरी की पूरी रोशनी होती है। मैं कम से कम ये तो कह सकता हूं कि हाँ, जहां वो सूरज उगेगा वहां रोशनी चालू हो गई है। इतने दिए जल रहे हैं, उन दियों का जलना व्यर्थ नहीं जाएगा। जो कुछ भी तुमने कोशिश की है, कितने लोगों को यहां बुलाया, जो भी तुम प्रचार कार्य में कोशिश करते हो, जो भी कोशिश करते हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। चाहे कोई कैसी भी कोशिश करे, किस भी टीम में रह करके कोशिश करे, कोई अपने जेब से 1 रुपया निकाल के देता है, वो 1 रुपया व्यर्थ नहीं जाएगा, वो 1 रुपया व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई अपने हाथ से क्या कहते हैं फर्श की सफाई करता है, वो सफाई व्यर्थ नहीं जाएगी, वो सफाई व्यर्थ नहीं जाएगी कभी। कोई खड़ा होकर के किसी आदमी को हमारी DVD या हमारी मैगजीन देता है, वो कोशिश जो तुम करते हो, जब तुम किसी को बताते हो ज्ञान के बारे में, वो कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसी कोशिश के कारण आज ये माहौल बना है। किसी की कोशिश थी, ऐसे व्यक्ति की जिसको न तुम जानते हो न मैं जानता हूं, किसी ने ज्ञान लिया, अपना प्रेम का संबंध बनाया और कोशिश की। क्या कोशिश की, क्या फल मिला, उसको मालूम है। और आज तुमको क्या फल मिल रहा है, ये उसकी कोशिश के कारण है। जो कुछ भी उसने किया, किसी ने आके आटा गूंदा, किसी ने आके आटा साफ किया, किसी ने आके रोटी बनाई, किसी ने आके दाल बनाई, किसी ने खाने के बाद जो जगह थी उसको साफ किया, परंतु ये सारी की सारी कोशिश प्रचार कार्य में कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसका फल जरूर मिलता, सेवा का फल जरूर मिलता। अफसर के सीरीज में बस इतना ही।
आशा है आपने इस सफर का आनंद लिया होगा। अगर आपने प्रेम रावत जी से ज्ञान का उपहार प्राप्त किया है तो आपने और प्रेरणा पाई होगी। अगर आप उनके संदेश में रुचि रखते हैं तो आपने बहुत कुछ जाना होगा। अगर आप प्रेम रावत जी के संदेश के बारे में और जानना चाहते हैं और उनसे शांति का उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो सीरीज शांति का उपहार देख सकते हैं। अवसर के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए कि ये जीवन एक अवसर है और हमें बनाने वाले ने बेशुमार तोहफे दिए हैं। बस हमें हर दिन इन तोहफों को खोलना है और हंसते मुस्कुराते चलते जाना है। तो फिलहाल हम भी चलते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे एक और मोड़ पर। नमस्कार।